हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस एक्सरसाइज 3.1। टुडे वी आर डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन? स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ थ्री साइड एंड फोर साइड। आपको नेम राइट करने कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया था रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन्स मीन्स जो हमारे पास साइड के अकॉर्डिंग ऑल साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए हमारे पास, उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। अब थ्री साइड्स में आप कैसे बनाओगे इक्वल साइड्स के, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। थ्री साइड के अकॉर्डिंग आप एक ट्राइंगल बनाओगे, लेकिन थ्री साइड्स तीनों साइड हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। तो कौन सा ट्राइंगल बनेगा हमारे पास? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसके बाद देखिए फोर साइड यूज करके आप बनाओगे सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट होगी। फोर साइड आप यूज करके बनाएंगे, फोर साइड इक्वल होनी चाहिए हमारे पास। तो हम ड्रॉ करेंगे स्क्वायर। जब फोर साइड आप बनाओगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इसको नाम राइट किया एबीसीडी। ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उसका नेम क्या होगा, स्क्वायर। स्क्वायर होगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड फिगर की माने हमारे पास फाइंड एक्स वाई एंड जेड। जेड एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो एक ही लाइन पे बनने वाला एंगलों का सम हमारे पास 180 होता है। लीनियर पेयर मेथड यूज करेंगे हम। 90 प्लस एक्स, इट मीन्स 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर कौन सा मेथड यूज किया हमने, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, एक ही लाइन पर बनने वाले एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, इट्स कॉल्ड लीनियर पेयर। इट मीन्स 90 प्लस एक्स 180 के इक्वल, देन प्लस के 90 को ट्रांसफर करेंगे एक्स इक्वल टू 180 माइनस 90। 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू क्या फाइंड हुई हमारे पास, 90। दैट इज एक्स फाइंड हो गया हमारे पास। जेड भी अब देखो ऐसे फाइंड कर सकते हैं, एक सिंगल लाइन पर बनने वाले एंगलों का सम 180 डिग्री, इट मीन जेड प्लस 30 180 के इक्वल। जेड प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस का 30 को ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30। 180 में से 30 माइनस करेंगे 150 डिग्री, इट मीन्स जेड की जो वैल्यू आई है हमारे पास 150 डिग्री। वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 150 डिग्री, जो 150 फाइंड हो गया हमारे पास। एक्स हमारे पास 90 डिग्री फाइंड हो गया। अब वाई फाइंड करना है। अब देखिए वाई फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इंटरनल एंगल हमारे पास गिवन नहीं है, हम इसको अज्यूम कर लेते हैं दैट वन। इसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, वन। अब देखिए ट्राइंगल हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल हम यूज करेंगे। थर्ड एंगल हमारे पास इंटरनल एंगल गिवन नहीं था, तो हमने इसको अज्यूम कर दिया वन। एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, तो हम यहाँ यूज करते हैं उसको। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ऑल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ट्राइंगल में, जैसे कि हमने इससे पहले वाली क्वेश्चन नंबर में डिस्कस किया था। इट मीन्स 30 प्लस 90 प्लस 1 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। थ्री एंगल्स का सम 180 के इक्वल होते हैं ट्राइंगल में। थ्री एंगल्स का सम 90 प्लस 30 कितना हो गया 120। 120 प्लस का 120 को
RHS में ट्रांसफर करेंगे तो 180 माइनस 120 एंगल 1 इक्वल टू 180 प्लस 90 प्लस 13 120 प्लस का 120 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 120 एंगल 1 इक्वल टू 120 180 में से 120 माइनस करेंगे 60 डिग्री आएगा इंटरनल एंगल 1 क्या फाइंड हो गया मेरे पास 60 डिग्री ये 60 डिग्री फाइंड हो गया। अब देखिए इसमें अगेन लीनियर पेयर मेथड यूज करेंगे एक ही लाइन पर बनने वाले एंगलों का सब 180 60 प्लस वाई इक्वल टू 180 60 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री then y equal to 180 minus 60 then y equal to 120 degree y की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 120 तो x हमारे पास क्या फाइंड हुआ 90 degree x equal to 90 degree y equal to 120 degree and z equal to 150 degree that is ऐसे हम तो आपको बाकी क्वेश्चन अटेंड करने इसी टाइप के अकॉर्डिंग।